मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डिंपल यादव ने कहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना होगा। डिंपल यादव ने ट्वीट भी किया और चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत करते हुए कहा कि होटल पाम स्टेशन रोड मैनपुरी में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी नेता कार्यकर्ता जमा होकर शराब और पैसा बंटवा रहे हैं, मामले का संज्ञान ले चुनाव आयोग। ये ट्वीट डिंपल यादव ने चुनाव से पहले किया है और उनको डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खेला ना कर दे। समाजवादी पार्टी के विधायक इस मामले को लेकर धरने पर भी बैठ सकते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराने भी पहुंचे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी नरेश उत्तम पटेल वहां पहुंचे। एमएलसी राजेंद्र चौधरी भी प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि उपचुनाव में वोटिंग में धांधली को लेकर पहले भी समाजवादी पार्टी आशंका जता चुकी है और डिंपल यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव मैदान में हैं। उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इन उपचुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की साख दांव पर है। वो बीजेपी के रघुराज सिंह शाक से टकरा रही हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।